हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जब भी कोई नंबर आपका इसमें होता है रूट में, ये रूट का साइन है, ये साइन में जो भी नंबर होगा वो आपका इरेशनल नंबर है। बाहर एक रैशनल नंबर है, टू इज़ अ रैशनल नंबर, और अंडर रूट टू क्या है? एक इरेशनल नंबर। जब आप रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये बन जाता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल इरेशनल में ऐड हुआ है, तो ये पूरा नंबर भी आपका इरेशनल नंबर है। हमें इन दोनों को क्या करना है? ऐड। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको ऐड करना है। सबसे पहले हम एंड को रिप्लेस करके यहाँ पे लगा देंगे प्लस का साइन, क्योंकि हमें इनको ऐड करना है। अब देखिए, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इसी को अलजेब्रा फॉर्म में अगर हमने लिखना हो, तो हमारे पास हो सपोज टू, यहाँ पे हो एक्स प्लस फाइव वाई, जिसको ऐड करना है किस में? एक्स माइनस थ्री वाई में। अब आपने नोटिस किया मैंने क्या किया, बस आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे हमने अंडर रूट टू की प्लेस पे एक्स ले लिया और अंडर रूट थ्री की जगह पे वाई ले लिया। तो आप लाइक टर्म्स को सॉल्व कर सकते हो, जैसे टू एक्स प्लस एक्स एंड फाइव वाई माइनस थ्री वाई। जैसे हम अलजेब्रा में लाइक वेरिएबल्स को एक साथ करके प्लस माइनस कर सकते हैं, ऐसे ही हम रूट्स में भी करते हैं। तो हम लाइक रूट्स को एक साथ लिखेंगे, टू अंडर रूट टू प्लस रूट टू, देन प्लस फाइव अंडर रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री। अब जैसे अलजेब्रा में आप नंबर्स को जब ऐड करते हैं, तो लाइक वेरिएबल्स के आगे वाले नंबर्स को देखते हैं, यहाँ टू है तो वन है, टू प्लस वन तो हो जाता है थ्री एक्स। ऐसे ही यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मीन्स वन है, तो टू प्लस वन थ्री, और अंडर रूट टू एज इट इज़ रहेगा, जैसे यहाँ पे एक्स रहता है। ऐसे ही फाइव में से थ्री गए टू वाई, और ऐसे यहाँ पे भी फाइव में से थ्री जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा टू अंडर रूट थ्री, और साइन कौन सा आएगा? बड़े डिजिट का। जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, बस यहाँ पे आपको देखना है, जैसे हम अलजेब्रा में लाइक वेरिएबल्स देखते हैं, यहाँ पे लाइक रूट्स को हमने प्लस माइनस करना है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? अगेन हम सबसे पहले अगर हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और अब सबसे पहले हम लाइक रूट्स को एक साथ लिखते हैं, तो सेवन रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस फाइव रूट फाइव माइनस रूट फाइव। अब यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, सेवन में टू ऐड करेंगे, नाइन अंडर रूट थ्री, रूट एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आगे कुछ नहीं, इट मीन्स वन है, तो फाइव में से वन गए फोर, अंडर रूट फाइव आपका आंसर आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पे सिंपल सा नंबर है, तो यहाँ पे भी दोनों लाइक रूट हैं, तो ये सॉल्व हो सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, वन प्लस वन आपका आंसर आ जाएगा टू रूट फाइव। चलिए इसको ऐड करते हैं, थ्री प्लस सेवन आपके पास आ गया टेन अंडर रूट थ्री। एक और सम ले लेते हैं, अंडर रूट फाइव प्लस थ्री रूट टू में ऐड करने हैं फोर रूट टू माइनस टू रूट फाइव। अगेन आपको लाइक रूट्स को पहले एक साथ लिखना है, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया, इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे लिख लेते हैं थ्री रूट टू प्लस यहाँ पे फोर रूट टू, प्लस माइनस माइनस, टू में से वन गए, ओनली वन बचेगा, तो आपको वन आगे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जैसे हम अलजेब्रा में नहीं लिखते वेरिएबल्स के आगे, साइन आएगा बड़े डिजिट का। देन फोर प्लस थ्री आ गया सेवन रूट टू, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर को पहले, सेवन रूट टू माइनस रूट फाइव, ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। इसमें क्या करना है हमें? जैसे हम एडिशन किए वैसे सब्ट्रैक्शन करनी है, हम लाइक वेरिएबल जो हमारे लाइक रूट्स हैं उनको ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंडर रूट टू लाइक है, तो हम फाइव में से थ्री को माइनस कर सकते हैं, फाइव में से थ्री गए टू अंडर रूट टू आपका आंसर आ गया। यहाँ पे सेवन रूट के आगे कुछ नहीं, इट मीन्स वन है, तो सिक्स में से वन गए फाइव अंडर रूट सेवन आपका आंसर आ गया। देन अंडर रूट थ्री प्लस माइनस माइनस, वन में से वन गए ज़ीरो, तो दोनों कट गए, आपका आंसर क्या आ गया? ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसमें से इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। जब भी आपने बाइनोमियल, यहाँ पे टू टर्म्स है, माइनस करना है, तो बाहर माइनस के साइन के बाद आपने यहाँ ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि साइन हो जाते हैं अंदर चेंज। तो यहाँ पे हम पहले ऐसे लिखेंगे माइनस, और यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या बन गया? माइनस। अब लाइक रूट्स को एक साथ लिखते हैं, रूट टू
माइनस रूट टू प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है मीन्स वन, तो फाइव में से वन गए, आपके पास बचे फोर रूट टू, देन प्लस माइनस माइनस, फोर में से टू गए टू रूट थ्री, और साइन आएगा बड़े डिजिट का, ये आ गया आपका आंसर। अब हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों सीख लिया इरेशनल नंबर की। अब आप सबको पता है जो भी नंबर रूट्स में होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने सीखा था कि लाइक रूट्स को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें इन दोनों को जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। तो रूल सबसे पहले क्या है जो आपने ध्यान से समझना है, नंबर जो ये देखिए सिक्स एंड टू एक रैशनल नंबर्स है दोनों, तो नंबर नंबर्स से जो रैशनल नंबर्स है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सिक्स टू सा आ गया ट्वेल्व। अब होता क्या, रूट रूट से मल्टीप्लाई हो सकता है, चाहे वो लाइक है चाहे वो अनलाइक है। जैसे फाइव इंटू फाइव तो आपका बन गया ट्वेंटी फाइव। अब आपको सबको पता है ट्वेंटी फाइव किसका स्केयर रूट है, ट्वेंटी फाइव का स्केयर रूट होता है फाइव, तो हमने लिख दिया फाइव, तो आंसर आ गया सिक्सटी। अब एक और कंसेप्ट भी हमने समझना, जैसे रूट फाइव इंटू रूट फाइव है, तो ये ट्वेंटी फाइव तो हम लिख ही सकते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, आपको पता है रूट फाइव इंटू फाइव मीन्स ये नंबर टू टाइम्स इसका स्केयर, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है, नंबर आ जाएगा फाइव। अब यहाँ पे देखिए फोर इंटू नाइन मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड अंडर रूट एट इंटू रूट एट, तो फोर नाइन ज़ा नाइन फोर ज़ा आपके पास आ गया थर्टी सिक्स। अभी मैंने आपको समझाया एट रूट इंटू एट रूट बन जाएगा एट, प्लस आपको सिंपली इनको क्या कर देना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 288। अभी हमने अभी अभी समझा है रूट टू इंटू रूट टू इट बिकम्स टू, और कंसेप्ट भी समझ लिया है, रूट टू का स्केयर हो जाएगा, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल होता है, आंसर इज टू। अब एक और चीज़ हम समझते हैं ध्यान से, देखिए रूट टू को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है जब हमें रूट हटाना है तो पावर क्या बन जाती है वन बाय टू, पावर क्या बन जाती है वन बाय टू। और ऐसे ही हम अगर देखिए ध्यान से ये कंसेप्ट कैसे बना, अगर आप रूट का स्केयर करते हैं, किसी भी रूट का स्केयर मीन्स टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इस रूट की पावर को ओपन करेंगे पावर बनेगी वन बाय टू, ऑलरेडी एक पावर थी, किसी बेस की टू पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, टू से टू कैंसिल हो गया, टू रेज टू पावर वन मीन्स टू, तो तब भी आपका आंसर वन ही आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास रूट लाइक नहीं है तब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले करते हैं थ्री फोर ज़ा आपके पास आ गया ट्वेल्व, एंड अनलाइक रूट, जैसे अनलाइक जो रूट्स होते थे वो प्लस माइनस नहीं हो सकते पर वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो थ्री टू ज़ा सिक्स रूट रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसके आगे हम प्राइम फैक्टर्स नहीं कर सकते तो ये रूट एज इट इज रहेगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए टू थ्री ज़ा हो गया सिक्स, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, फाइव सिक्स या थर्टी। अब यहाँ से देखना है आपने कि जो थर्टी है अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें तो इसमें कुछ प्राइम नंबर्स आगे जा सकते हैं, तो पहले आपको ये देखना था, जैसे यहाँ पे टू फिफ्टीन ज़ा, देन थ्री फाइव ज़ा एंड फाइव वन ज़ा, हमने देखा किसी का भी पेयर नहीं बन रहा। जैसे जब आपको पता है स्केयर रूट से बाहर आना होता है, क्लास एट में भी आपने सीखा होगा जब हम नंबर स्केयर रूट से बाहर उसका सॉल्व करना होता है रूट, तो टू टू के पेयर्स बने चाहिए, जैसे इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा तो ये आपका आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, तो सेवन वन ज़ा सेवन ही हो गया और फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी। अगेन आपको प्राइम फैक्टर ज़रूर एक बार निकाल के देखनी है, जैसे टू टेन ज़ा यहाँ पे आ गया, टू फाइव ज़ा एंड फाइव वन ज़ा, यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो इट मीन्स टू आप इस रूट से बाहर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके पहले लिख लेते हैं, देखिए 20 के ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो जिसका पेयर बन जाए वो रूट से बाहर आ जाता है, तो इसका पेयर एक पूरे पेयर में से आपको एक ही नंबर बाहर लेना होता है, तो अंदर रह गया आपका रूट फाइव, आपको पूरा सिंपलीफाई करके आंसर देना होता है, तो सेवन टू ज़ा फोर्टीन, फोर्टीन अंडर रूट फाइव हमारा आंसर आ गया। अब अपने कंसेप्ट को और अच्छे से सीखने के लिए हम एक और एग्जाम्पल कर लेते, सपोज आपके पास थोड़े बड़े नंबर आ जाएँ तो आपको क्या करना है, इनको हम सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या एक और वे है आप पहले इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए और दोनों के प्राइम फैक्टर लिख दें, हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ज़्यादा इजी वे है कि हम प्राइम फैक्टर्स लिख लें। 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू फाइव, एंड 30 के तो हमने अभी अभी फाइंड किए थे 2 इंटू 3 इंटू फाइव। अब जो भी लाइक नंबर्स हैं इनमें सबसे पहले हम उनको
सेम नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है एंड 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है। ये देखिए इनका पेयर बन गया, तो एक बार 3 बाहर आ गया और इसमें से 5 और रूट 2 अंदर ही रह गया क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 5 15 रूट 2। तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया 15 रूट 2। आई होप सारे स्टूडेंट्स को मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब सीखते हैं हम डिवीजन। चलिए अब सबसे पहले हमारा डिवीजन का क्वेश्चन क्या है कि हमें 8 रूट 15 को डिवाइड करने 2 रूट 3 से। वो अपने एक अच्छे से कंसेप्ट समझा, जैसे हमने अभी देखा कि हम अनलाइक रूट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर नंबर से डिवाइड होगा, 2 वन ज़ा 2 फोर ज़ा, इनको कैसे सॉल्व करें, बाहर तो 4 आ गया, दोनों रूट्स हैं। हम 15 को उसके फैक्टर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा दोनों पे रूट डाल के कॉमन, 3 वन ज़ा 3 फाइव ज़ा, तो हमारा आंसर आ गया 4 रूट 5। एंड अनदर वे क्या है, आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 4 तो एज इट इज़ बाहर है, 15 का हमें पता है क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 ऐसे, एंड नीचे रूट 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया 3 रूट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों पे सेपरेट रूट लिख दिया, एंड रूट 3 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 4 रूट 5। तो अब दोनों वैसे इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। रूट 2 रूट 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 कट गए, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। अब यहाँ पे 4 अंडर रूट 7 डिवाइड हो रहा है, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 से कट गया, हमारा आंसर आ गया 4। यहाँ पे 3 अंडर रूट 12 को हमने डिवाइड करना है 9 अंडर रूट 3 से, तो 3 वन ज़ा 3 थ्री ज़ा, यहाँ आपके पास 1/3 आ गया। इसको मैंने आपको भी समझाया, हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 वन ज़ा 3 फोर ज़ा 1/3, ऊपर आ गया आपके पास रूट 4। आप सबको पता है रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो आपका आंसर आ गया 2 1 2/3। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। 12 अंडर रूट 3 डिवाइड हो रहे हैं 4√6 से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 1 4 3। अब इसको सेम वे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड अंडर रूट 6 नीचे है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें ब्रेक भी कर सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3, या इकट्ठा आप डिवाइड भी कर सकते हैं, रूट 3 कट गया, तो आपका आंसर आया 3/√2। हमें नीचे जब भी हमारे पास रूट्स हैं, तो हम इसको अगर हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी रूट में नंबर आ रहा है, तो हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। कैसे आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है रैशनलाइजिंग की। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, हमें उसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3√2। अब देखिए हमें पता है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाता है 2। तो आपका आंसर आ गया 3√2/2। अब हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर अच्छे से सीख लिया, एंड आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।